Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to explain chapter 5 exercise 5.3 class 10 question number 1 and 2. First question is given, find the sum of the following APs. इसमें चार पार्ट दिए हुए हैं और मैं इस चारों पार्ट का पहले सॉल्यूशन करूंगी, फिर मैं सेकंड पार्ट का करूंगी. ओके, फर्स्ट पार्ट व्हिच इज गिवन, ये सम निकालनी है हमें. ओके, देन सबसे पहले हम तो जानते हैं जो निकालना है, यानी सम निकालना है, तो सम इसे हम ऐसे इंडिकेट करते हैं. इसकी जो फॉर्मूला होती है एन अपॉन में टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ओके, इस तरीका से ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो कि जिसका कि हमें निकालना है. अब सॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ लिख दिया. अब हमें एपीज गिवेन है और उन एपीज का जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है 2, 7, 12 10 टर्म्स, ये 10 टर्म्स तक जाएंगे और इनकी हमें सम निकालनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो रिक्वायरमेंट है एपी, वो एपी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन. ओके, वेयर ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू माइनस करेंगे तो 5 आएगा एंड एन हमें दिया हुआ है 10 टर्म. ओके, और हमें निकालना है एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हमें एस एन फाइंड करना है, तीन चीज इसमें गिवेन है और आप देख रहे होंगे कि जैसे कि ए, इसमें ए की रिक्वायरमेंट है, डी डी की रिक्वायरमेंट है, एन यहाँ और यहाँ एन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन के लिए सफिशियंट थिंग हमें हमारे पास है जिससे कि हम सॉल्यूशन कर सकते हैं. अगर सफिशियंट थिंग हमारे पास नंबर्स हमारी वैल्यू नहीं हो हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उस वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसके बाद आकर के सम निकालते हैं. ओके, देन एस एन इक्वल टू है ना एन, तो एन क्या गिवेन है 10, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे. ओके, एन विच इज ऑल्सो 10 अपॉन में 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीपल ए की वैल्यू 2 प्लस एन विच इज 10 माइनस 1 एंड डी विच इज 5. ओके, बारी बारी से सबकी वैल्यू पुट कर दिए, देन ये कैंसल हो जाएगा, ये 5 आ गया. तो 5 इंटू 2 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 और 9 5 45. ओके, यहाँ पे आ गया आपका 5 मल्टीपल 49. ओके, और 49 को जब मल्टीपल करोगे तो आ जाएंगे 245. दिस इज सम ऑफ एपीज. ये क्या है हमारा सम ऑफ एपीज निकला, ये मीन्स एस एन इक्वल टू 245. अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं विच इज माइनस थर्टी सेवन एपी, यहाँ पे लिख दो ना सेकेंड पार्ट, एपी इक्वल टू -37 -33 -29 एंड सो ऑन. ओके, देन ए इक्वल टू -37, डी इक्वल टू -37 से -7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4. ओके, देन विच इज हाँ टर्म गिवेन है, इट मीन्स एन इक्वल टू 12. एस एन की फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एस 12, क्योंकि 12 है इनकी वैल्यू, 12 अपॉन में 2 एंड 2 मल्टीपल -37 एंड प्लस एन विच इज 12 माइनस 1 डी विच इज 4. ओके, कैंसल होंगे, ये 6 आ जाएगा, देन 6 37 मल्टीपल 2 वी गेट हेयर 74, बट नेगेटिव क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीपल करते हैं तो नेगेटिव आता है, देन नेगेटिव 74 प्लस 11 12 माइनस 1 11 11 4 जा 44, देन माइनस प्लस माइनस होंगे बट साइन जो है वो नेगेटिव का होगा और यहाँ आ गया आपका 30. इसे जब मल्टीपल करेंगे तो -180.
SN इक्वल टू क्या हो गया हमारा माइनस यानी सम ऑफ APs इन 12th टर्म इज माइनस 180. नेक्स्ट की सॉल्यूशंस के लिए मुझे स्पेस की जरूरत है सो मैं रब कर रही हूँ. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपके पास सारे अपडेट्स पहुंच मिल जाए आपको सारे अपडेट्स और आपको हेल्प मिल सके. ओके थर्ड पार्ट विच इज एपी 0.6 1.7 2.8 सो ऑन देन ए इक्वल टू 0.6 डी इक्वल टू इससे इसको माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा and n which is given 100 n which is 100 और हमें इनका सम निकालना है SN equal to question mark already मैं यहाँ पे रब करती हूँ फिर से लिख दे रही हूँ SN equal to n upon में 2a plus n minus 1 b ये हो गया formula then हमें क्या निकाल कितना तक निकालना है n 100 यानी s 100 इक्वल टू 100 अपॉन में 2 देन आगे 2 मल्टीपल 0.6 प्लस n n विच इज 100 100 माइनस 1 d विच इज 1.1 देन इसे कैंसिल हो गया 50 इंटू जब इसे मल्टीपल करोगे 1.2 आएंगे एंड प्लस ये माइनस हो जाएंगे तो 99 आ जाएंगे और 99 को जब आप 1.1 से मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा 108.9. अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 50 मल्टीपल 110.1 आएंगे. अब इनका जब आप इन दोनों को जब मल्टीपल करोगे तब आपके पास आंसर आएंगे 5.05. तो इनका सम करने पे 100 टर्म तक जब हम इस एपीज को सम करेंगे तो उनकी जो वैल्यू होगी 5,505. फोर्थ पार्ट विच इज एपी गिवेन है वो क्या है 1/15 1/12 1/10 एंड डेस ये सो ऑन गए हैं 11th टर्म तक गए हैं. ओके देन ए इक्वल टू 1/15 डी इक्वल टू जब इन्हें माइनस करेंगे 1/12 माइनस 1/15 तो ये एलसीएम आ जाएगा 60 और ये 5 एंड 4 विच इज 1/60 तो डी हो गया 1/60 एंड एन विच इज गिवेन 11 हमें जो फाइंड करनी है एस एन वो है आपका एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1. अब बारी बारी से वैल्यू को पुट करेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास है एन विच इज 11 यहाँ पे लिख देंगे एस 11 2 मल्टीपल 1/15 प्लस n विच इज 11 माइनस 1 एंड d विच इज 1/60 s 11 इक्वल टू 11/2 एंड ये हो जाएंगे आपको 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 मल्टीपल 1/60 ये कैंसल हो गया आ गया 1/6 देन 11/2 2/15 प्लस 1/6 ये आया 11/2 एंड 6 एंड 15 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30 then 2 2's are 4 plus 6 5's. अब हमारे पास आ गया 11/2 multiple 9/13
3 3 and 3 10. यहाँ आ गया 33/20. तो हमारा जो सम है SN इक्वल टू 33/20. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गिवन है फाइंड द सम्स गिवन बिलो. पर हमें इसमें भी सम ही निकालना है, तो बट यहाँ पे हमें कुछ चीज़ जो है वो डिफरेंट है. वो क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे एपी दिया हुआ है, ये प्लस प्लस करके दिया हुआ है क्योंकि हमें सम निकालना है, बट हमें उसे एपी के रूप में लिखेंगे. सपोज दैट फर्स्ट में लिख दिया, इधर मैं फॉर्मूला लिख दूँ, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ. एस एन इक्वल टू, दिस इज एन अपॉन में 2 2a प्लस एन माइनस 1 d, दिस इज फॉर्मूला. ओके, सबसे पहले जो एपी लिखा हुआ है तो हम एपी लिखेंगे. एपी में हम क्या, ये जो प्लस साइन है वो नहीं देंगे. 7 10 होल 1/2 14 एंड सो ऑन आगे गया ये 84, यानी कि लास्ट टर्म जो हमारा एन, हम जिसे सॉरी ए एन जिसे कहते हैं, वो है हमारा 84. अब हम यहाँ पे ए हमारा ए, और इसे माइनस करके बी के वैल्यू निकालेंगे. ए गिवन है विच इज 7, डी है यहाँ 10 2 20 21 माइनस 21/2 माइनस 7, ये आ गया डिफरेंसेस 2, दैट 21 माइनस ये आ गया 14, 7/2 डिफरेंसेस आ गए. एन हमारा गिवेन है 84. जो रिक्वायरमेंट है ए है, बी भी है, बट एन हमारे पास नहीं है. इसके लिए सबसे पहले हमें एन फाइंड करनी होगी. एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एस एन तो हमें निकालना ही है. इसके लिए क्या करते हैं, ए एन की चूंकि वैल्यू गिवेन है, तो एन की जो फॉर्मूला है, एन की जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमें जो तब ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ये है हमारा एन की फॉर्मूला. एन में हम की वैल्यू गिवेन है जो कि 84, ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवेन है 7, एंड प्लस एन हमें फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू गिवेन है 7/2. तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप एन की वैल्यू को फाइंड करोगे, उसके बाद आप एस एन की जो रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिलनेस हो जाएगी, आप उसे फिर सॉल्व करोगे. ओके, देन 84 ये प्लस में है, दूसरी साइड आकर माइनस हो जाएंगे, एन माइनस 1/7/2. माइनस करोगे आ जाएंगे 77. और हाँ, और दूसरी चीज़ ये मल्टीपल में है, तो दूसरे साइड आ करके हम मल्टीपल साइन जब रखते हैं तो उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं. ये कैंसिल हो गया 11, सॉरी इधर लिख दूँ n माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 77, ये आ गए 22, ये इधर माइनस में है, दूसरे साइड आके प्लस हो जाएंगे, n की वैल्यू क्या हो गई 23. ये तो हमें n की वैल्यू निकला. अब हम फाइंड करते हैं एस एन की वैल्यू. SN, N की वैल्यू है यहाँ पे मिल गया, तो हम यहाँ पे 23 लिख देंगे. और हर एक क्वेश्चन जब भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो फॉर्मूला जरूर लिखोगे. फॉर्मूला लिख देने से क्या होता है कि आप जब उसे अलग से याद करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है. देन इक्वल टू N विच इज 23/2 मल्टीपल A विच इज 7 and plus n which is 23 minus 1 b which is 7/2. Okay, then 23 upon 2, 7 2s are 14 plus ye minus okay 22 aa jayenge, and multiple 7/2 ye bhi yahan cancel ho gaya. 23/2 14 plus 11 7 jo 77. अब हम आगे करते हैं 23/2, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 77 14 1 91 आ जाएंगे. तो मल्टीपल 91, ये दोनों कहीं से भी कैंसिल होने का नहीं है, दैट्स व्हाई इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे वो आ जाएगा 2090/2. अब ऐसे जब मिक्स फ्रैक्शन में से जब कन्वर्ट करोगे तो वो होगा 1 0 4 0 4 6 होल 1 अपॉन
ये हो गया हमारा Sn। तो इस तरीका से बारी बारी से ढंग से आप आराम से जब करोगे तो सॉल्यूशन आसानी से होगा। सेकेंड पार्ट विच इज इसे भी उसी तरीका से AP लिख लेंगे 34, 32, 30 एंड सो ऑन। ये इसका जो लास्ट टर्म है वो 10 है। तो हमारे पास आ गया A इक्वल टू 34, डिफरेंस 32 से 34 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव में माइनस 2 आएंगे एंड an इक्वल टू 10। हमें फिर से यहाँ पे n फाइंड करनी होगी, उसके बाद हमें sn फाइंड करनी होगी। तो उसी प्रोसेस से फिर से चलते हैं। an की वैल्यू गिवेन है, an सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू 10, a विच इज 34 प्लस n हमें फाइंड करनी है और d विच इज माइनस 10, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 34 इक्वल टू n माइनस 1 ये d, हाँ सॉरी नेगेटिव में माइनस 2, माइनस प्लस माइनस होंगे और ये ग्रेटर डिजिट जो है वो उसकी साइन नेगेटिव है, दैट्स वाई नेगेटिव पुट करेंगे और ये इधर में क्या है मल्टीपल में डिवाइड में चला जाएगा n माइनस 2 सॉरी 1 हियर n माइनस 1। ये नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल होके आ गया 12। देन n माइनस 1 इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू 12 प्लस 1 विच इज 13। n इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। अब हम Sn की फाइंड वैल्यू को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। Sn की फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, हम हमारा टर्म जो है वो 13 है तो 13 यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल टू 13 अपॉन में 2 मल्टीपल 34 प्लस n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 13 माइनस 1 d विच इज माइनस 2। देन 13 अपॉन 2 ये होगा 68 प्लस में 12 हो जाएंगे माइनस होने के बाद और मल्टीपल होंगे तो वो नेगेटिव में 12 टू जा 24। देन 13 अपॉन 2 इसे जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 22 से एंड 13 की टेबल जब 22 टाइम्स पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा 286। Sn इक्वल टू क्या हो गया यानी सम ऑफ दिस एपीज इज 286। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास सारे अपडेट्स पहुंचते रहे और आपका हेल्प हो पाए। थर्ड पार्ट AP के रूप में सिमिलरली -5, -8, -11, -10 and last term which is 230। A small a equal to -5, b equal to इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तब d आ जाएगा आपका -3 एंड n विच इज गिवेन -230। हमें फिर से फाइंड करनी है n की वैल्यू एंड Sn की वैल्यू, सम भी निकालना है और नंबर ऑफ टर्म भी निकालने हैं। सेमी प्रोसेस से फिर से स्टार्ट करते हैं इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a विच इज -230 इक्वल टू a विच इज -5 प्लस n हमें फाइंड करनी है एंड d विच इज -3। सिमिलरली 230 ये माइनस है, दूसरे साइड आके प्लस हो जाएंगे एंड n -1 -3, माइनस प्लस माइनस होंगे बट हमारा ग्रेटर डिजिट जो है वो नेगेटिव में है दैट्स वाई, और ये -3 जो है इधर नेगेटिव नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा
इसे कैंसिल करेंगे तो 3 7 जा 21 एन 3 5 ये आ गए एन माइनस 1 इक्वल टू 75 एन इक्वल टू 75 प्लस में 1 विच इज एन इक्वल टू 76। अब इससे एन की वैल्यू हमारे पास है तब एस सम ऑफ एपीज निकालेंगे। आगे सॉल्यूशन से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से आपके पास सारे अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। नेक्स्ट विच इज SN, SN यहाँ पे आप आ गया हमारा S 70 और 76 अपॉन में 2 टू मल्टीपल माइनस 5 एंड प्लस N, N हमारे पास आए 76 माइनस 1 एंड D विच इज माइनस 3। ओके ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6 एंड 2 8 जा, इट मीन्स 38 माइनस 10 प्लस 75 मल्टीपल 3 माइनस 3 देन हो जाएंगे वो 225। ओके अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे 38 मल्टीपल माइनस 235। जब इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो 8930 SN इक्वल टू 8930। दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।